हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरी मटर और आलू की नई रेसिपी बनाई हुई दिखाऊंगी। देखिए, ये मैं हरी मटर छील के धोल ली हूँ, आलू छील के काट ली हूँ और इसके लिए मसाला मैं रख ली हूँ। एक चम्मच हल्दी है, छोटी चम्मच हींग, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच नमक, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा। चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। गैस का फ्लेम चालू है, अब इसमें हम एक बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। हम इसमें हींग ऐड करेंगे। सिरप ऐड करेंगे। इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी हो गई है, अब इसमें हम हरी मटर हम आलू भी ऐड कर देंगे। गरम मसाला, हम काफी नमक भी ऐड करते हैं। इसको हम चलाएं, इसमें मिक्स कर लेंगे, फिर इसको हम ढाल देंगे। पांच मिनट के लिए इसको हम ढक के पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये पक गया है, और इसको हम एक थाली में निकाल कर ठंडा करेंगे। हम इसको ठंडा होने के लिए थाली में निकाल देंगे, ये ठंडा होगा। तो हम इसका स्टफिंग बनाएंगे मिक्सर के जार में, इसको पीसेंगे। अब ये ठंडा हो गया है, इसको हम एक मिक्सर का जार लिए हैं, इसमें हम डालेंगे। इसको पीस लिए हैं अच्छे से, ज्यादा हमको एकदम पतला नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रहना चाहिए तो अच्छा रहता है। और बनाने के लिए मैं आटा भी गूंथ ली हूँ, मेरा आटा भी तैयार है। मैं आटे को अच्छी तरीके से सॉफ्ट एकदम गूंथ के तैयार कर ली हूँ। चलिए आपको बना के दिखाएंगे।
चकले पे हम थोड़ा आटा सूखा लगा देंगे। छोटा 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 लोई बनाएंगे हम। इसको हाथ से ऐसे से करेंगे। चम्मच की सहायता से हम इसमें ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा हम इसमें भरेंगे। इसको हम हाथ से ही इसे कटेंगे, इसको बैलेंस हमको नहीं करना है, हाथ से ही थोड़ा सा ऐसे। बस रेडी हो गया है। ये आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, खाने में भी खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। इसको मैं पूरा इसमें भर के बना ली हूँ। अब इसको हम फ्राई करने लगे, चलते हैं दिखाते हैं आपको। गैस का फ्लेम चालू है, कढ़ाई में मैं तेल रख दी हूँ। तेल गरम हो गया है, हल्के गरम तेल में ही हम इसको डालेंगे। स्लो फ्लेम पे हम पकाएंगे इसको। आप देख सकते हैं स्लो फ्लेम पे कितना फुली फुली कचौरियां बनी हैं। आप देख सकते हैं मटर और आलू की कचौरी बनके तैयार हुई है। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें।